शाम के नाश्ते के लिए इस फूल का पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से पकौड़ी बना सकते हैं। और आप कमेंट कीजिएगा कि ये किस चीज़ का फूल है और आप भी बनाते हैं या नहीं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हल्दी, नमक, धनिया, गोलकी, जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़े से बेसन इसमें डालिएगा। ज़्यादा इसमें बेसन नहीं पड़ता है। एंड इसमें पानी भी मत डालिएगा बिल्कुल, ये क्योंकि इसमें पानी खुद ही रिलीज होता है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और शाम के नाश्ते के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग मंडी जाएंगे क्योंकि सब्जी कुछ खरीदना है और कुछ ज़रूरी सामान भी। तो हस्बैंड को चिकन खाने का मन था तो वे चिकन भी खरीदेंगे और रात को खाना हम लोग चिकन एंड चावल ही बनाएंगे। तो अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं और आप भी देखिएगा कि हम लोग मार्केट से क्या क्या लेते हैं। तो आज मंडी में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए चावल, इसका मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब हम लोग पहुँचने वाले ही हैं। नहीं, पराठा।